हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होगी। आज हम आपके साथ देखिए मिलके बनाने जा रहे हैं सिरके वाले प्याज। जो खाना खाएंगे आप उसमें जान होती है ये सिरके वाले प्याज, है ना। रेस्टोरेंट में आप अक्सर खाते होंगे। ये देखिए हमने इनको छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे प्याज लिए हैं और इनको हमने ये देखिए कैसे इस तरफ से बीच में भी और इस तरफ से बीच में भी चीरा लगा लिया है, ठोके, है ना। अब ये क्या करेंगे, मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी। एक कटोरी के करीब पानी डालना है और इस पानी में मेरे को एक चम्मच चीनी और एक चम्मच नमक डालना है ना। अब आप कहेंगे कि ये चीनी और नमक क्यों? तो नमक तो देखिए अचार वगैरह में आप डालते ही हैं, सैलड बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, अचार बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। और चीनी इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि चीनी से पता है जो सिरका हमारा बहुत खट्टा होता है उसको बैलेंस कर देगी ये चीनी, है ना। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई और अगर ये दो चार दाने रह भी गए ना, ये आराम से इसमें मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। अब इसमें मैं ये जो मैंने प्याज काटे हुए हैं इसमें पहले मैं सिरका डालती हूँ। ये सिरका मैं डालूंगी करीबन 2 चम्मच। ये देखिए इसमें मैं 2 चम्मच के करीबन सिरका डाल रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी जो मैंने धो के, अच्छे से काट के धो के रखे हैं। ये देखिए प्याज और सिरका अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसी में हम चुकंदर, ये देखिए मैंने बारीक भाई चुकंदर काट लिए है ना। ये अब हम एक चुकंदर और 2 से 3 हरी मिर्च ये भी हम इसी में डाल देते हैं। और चीनी डालने से ये जो सिरके का खट्टापन है ना वो बैलेंस हो जाएगा। और सिरका डालने से ये प्याज आप कम से कम 1 महीने तक रख सकते हैं, है ना। अब आपको इसको मैं पूरी रात रखूंगी, है ना, ओवरनाइट के लिए इसको रखना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये कितनी जल्दी इसका कलर भी, ये देखिए कलर चेंज होने लग गया है ना, और नीचे तक इसका कलर अभी चेंज हो जाएगा। और प्याज देखिएगा बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा इसका। इसको अब मैं आपको कल दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, पूरी रात हमने प्याज को रखा था ये सिरके वाले में डाल के, और अब हम देखते हैं इसका हाल क्या है। हाल तो इसका बहुत बढ़िया लग रहा है ना। ये देखिए इसको मैं कटोरी में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये एकदम नेचुरल कलर है जो कि बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। कुछ लोग सिरके वाले प्याज में कलर डाल देते हैं, वो नुकसान करता है ना। ये देखिए कितना ही गजब का कलर आया है। और ये चुकंदर है तो ये फायदा भी करेगी, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। मैं इसको आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम कलर ये हमारा प्याज का बहुत ही बढ़िया आया है और ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। इसमें मैंने बिल्कुल कलर नहीं मिलाया, ये चुकंदर का ही कलर है जो कि हमें फायदा ही करेगा। उसका एक तरह से समझ लीजिए इसमें रस आ गया है ना। और ये प्याज एक बार आप रोटी के साथ खा के देखेंगे तो बहुत ही गजब का टेस्ट है इसका। मैंने खा के देखा है तभी मैं बता रही हूँ। और ना आप इसको खा के एक बार देखिए, एकदम होटल से भी मस्त स्वाद है। और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल भी, ये पानी आपको फेंकना नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे और प्याज डाल सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और इस तरह प्याज आप बना के कम से कम 1 महीने तक रख भी सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है
तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।